सभी को नमस्कार। यदि हम जिला कांगड़ा के अंदर कोविड की स्टेटस की बात करें तो इस समय हमारे पास 982 पॉजिटिव केसेस हैं पूरे जिले के अंदर, जिसके अंदर 7 केसेस हैं जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ऑन ऑक्सीजन हैं। तो ये लगभग जो परसेंटेज है 0.7% है हॉस्पिटलाइजेशन की जो इस वेव के अंदर देखी जा रही है, जबकि पुरानी जो फर्स्ट और सेकेंड वेव थी उसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो 5 से 10% के बीच में फॉल कर रही थी। और जिला कांगड़ा के अंदर इस समय जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा, जो हमारा डीसीएचसी परौर और साथ में सिविल हॉस्पिटल नूरपुर है, ये इस समय कोविड के लिए एक्टिव है। और साथ ही साथ जो जिला कांगड़ा के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है, उसके तहत एज एंड वेन हमें और हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, जब इन हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्यूपेंसी एक सर्टेन लिमिट को ब्रीच करेगी तब तो हम और हॉस्पिटल्स एक्टिवेट करेंगे। और लगभग 1200-1300 के आसपास हमारे इस समय बेड्स जो ऑक्सीजन युक्त है पूरे जिले के अंदर वो तैयार हैं। और हम कुछ लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो कल जो स्टेट लेवल से डायरेक्शंस आई थी उसके एवज में आज जिला कांगड़ा के अंदर भी कुछ डायरेक्शंस को नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले जो स्कूल्स और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद किया गया है 26 तारीख तक। उसके अतिरिक्त जो जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, ऑटोनोमस बॉडीज के हों, पीएसयूज के हों, उनको 5 days वीक किया गया है। और उसमें भी जो हमारी जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स है उसकी 50% अटेंडेंस के जो आदेश है वो पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो गैदरिंग्स हैं उनके ऊपर भी कैपिंग की गई है। जो हमारी इंडोर गैदरिंग्स हैं वो 50% या 100 जो भी इसमें से कम हो, और जो आउटडोर गैदरिंग्स हैं वो 50% या 300 इनमें से जो भी कम हो उनको अपना जो लिमिट किया गया है। और साथ ही साथ जो इनकी इंटीमेशन है वो कंसर्न एसडीएम को देनी आवश्यक रहेगी, अलॉन्ग विद जो टेंटेटिव जो गैदरिंग का साइज होगा और गेस्ट लिस्ट का। और उसके लिए भी जो हमारा जो पोर्टल है covid.hp.gov.in, इसके ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वो इंटीमेट करेगा, और वो जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर इनकम्बेंट रहेगा कि जो गैदरिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए। और किसी भी प्रकार की जो लंगर है और कम्युनिटी फीस्ट है, धाम है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और जो नॉन रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे गांव में कोई धाम हो, कोई सेलिब्रिटी धाम हो, उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। और जितने भी हमारे जिला कांगड़ा के अंदर मार्केट प्लेसेस हैं उनकी जो टाइमिंग है वो 7 बजे तक निश्चित की गई है, और 7 बजे तक सारी शॉप्स खुल सकती हैं। उसके उपरांत सभी को दुकानें बंद करनी होगी। इसमें एक्सेप्शंस जो केमिस्ट की शॉप हैं, जो ढाबाज हैं, ईटरीज हैं, वो इसके अंदर एक्सेप्शन रहेगी। और पहले भी ये आदेश जारी किए गए हैं डीएम एक्ट के तहत कि 10 से 5 जो है वो पूर्ण रूप से कर्फ्यू जो रहेगा जिला कांगड़ा के अंदर। इसके अतिरिक्त एक जो नई चीज जो इस बार कर रही है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो काफी उनके जो वीकली क्लोजिंग डेज हैं वो वेरी करते हैं, तो क्योंकि अगर हम हमें चेन को ब्रेक करना है तो जो वीकली क्लोजिंग डे है उसको हमने संडे को ही अपना जो है वो पूरे जिले के अंदर नोटिफाई किया है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, साथ ही सब डिवीजन लेवल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, इनके भी जो नंबर्स हैं उनको वाइडली पब्लिसाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। और जो एक मैकेनिज्म है, चाहे वो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स की केयर का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो कोविड पेशेंट्स की केयर का है, उसको जिले के अंदर कायम किया गया है। वैक्सीनेशन फ्रंट पे जो हमारा 15 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप है उसमें लगभग 80,000 आज हमारी कवरेज आज तक हो चुकी है, और इसका टारगेट स्टेट द्वारा ये 90 से 92 हज़ार का दिया गया है। इसको जल्द ही हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। और आज प्रिकॉशनरी डोज भी भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार शुरू की गई है। इसमें वह लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको थर्ड डोज अपना लगाने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि उनकी जो सेकेंड डोज को 9 महीने या 39 वीक्स हो चुके हों। और इसके लिए भी आज पूरे जिले के अंदर जो प्रिकॉशनरी डोज है उसकी वैक्सीनेशन को शुरू किया गया। और अब तक लगभग जो हमारे पास रिपोर्ट है लगभग 2,000 के आसपास जो ऐसे लोग हैं उनको जो प्रिकॉशनरी डोज है वो जिले के अंदर लग चुकी है। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट जिला कांगड़ा में ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें सैम्पलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और कल से एक विशेष अभियान पूरे जिले के अंदर शुरू किया गया है कि जहाँ पे जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो बस स्टैंड्स हैं, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो टेम्पल्स हैं, जहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको एक तो मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी भी सैम्पलिंग की जा रही है
यदि मैं कल के आंकड़ों की बात करूं तो ऐसे पूरे जिले के अंदर 688 लोगों को रैंडमली सैंपल किया गया था जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, और वो बाय एंड लार्ज एसिम्प्टोमेटिक लोग थे बिकॉज वो अपना देवर फ्रीली रोमिंग और अपना सभी टेम्पल्स के अंदर भी विजिट कर रहे थे, बसेस के द्वारा भी आ रहे थे। उसके अंदर से भी 45 केसेस हमारे पॉजिटिव निकले हैं रैट में, जो ये सिग्निफाई करता है कि अराउंड 6 से 7% जो पॉजिटिविटी है वो हमारी जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी है, जो कि मैं मानता हूँ काफी ज्यादा है। तो सभी को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो मास्क का प्रयोग हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, इसका एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। 6 से 7% हर 100 आदमी में से 6 आदमी पॉजिटिव हैं और किसी को नहीं पता कि वो पॉजिटिव हैं, तो जो संक्रमण फैलाने का खतरा रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि यदि आपने जो वैक्सीनेशन की थर्ड डोज के लिए प्रिकॉशनरी डोज के लिए आप एलिजिबल हो तो वो अवश्य लगाएं, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में ये कारगर होगा। साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, और जो केसेस की ट्रीटमेंट है चाहे वो होम आइसोलेशन में हो चाहे हॉस्पिटल्स में हो, उसके लिए जो प्रशासन ने कदम उठाने चाहिए वो सारे उठा लिए गए हैं, और उसके लिए ऊपर भी निश्चिंत रहें कि जो जिला कांगड़ा की तैयारी है यदि केसेस में बढ़ोतरी होती है तो वो तैयारी ठीक है। धन्यवाद। सर, बाजारों के अलावा अगर जो सिंगल शॉप होती हैं सभी के लिए आदेश रहेंगे किस तरह से? देखिए, जो सिंगल शॉप्स हैं उनके लिए भी 7 बजे के आदेश हैं, और सिर्फ एग्जेम्पशन केमिस्ट शॉप और जो हमारे इटरीज हैं उनकी एग्जेम्पशन की गई। रविवार के लिए क्लोजिंग डे रहेगा, जैसे हमारे सारे बंद रहते हैं मार्केट्स वैसे रविवार को बंद रहेगा। जी जी सेम डे, ताकि 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 एक अपना जो यदि हम बात करें तो जो मूवमेंट है वो एट लार्ज कम हो जाए संडे वाले दिन, और हम चेन को ब्रेक करने में थोड़ा सा सक्सीड करें। इस दौरान परिवहन व्यवस्था बंद रहेगी पूरी तरह सर, सरकारी हो चाहे प्राइवेट? नहीं, परिवहन व्यवस्था पे कोई भी इस समय रोक नहीं है, वो चलती रहेगी। सर, आउटडोर में अगर बात की जा रही है कि आउटडोर में 300 लोग आएंगे तो उससे सर कहीं ना कहीं संकट हो जाएगा, क्योंकि शादियों भी ऑलरेडी सीजन है ही शादियों का, तो 300 लोग आ जाएंगे तो फिर तो गैदरिंग हो जाएगी। देखिए, ये जो गाइडलाइंस हैं आपको भी पता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली है, और ये इवॉल्विंग गाइडलाइंस है। जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और उनको सख्त भी किया जा सकता है, अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है और इन गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिलैक्स भी किया जा सकता है। तो ये नहीं है कि अगर आज हम 300 की बात कर रहे हैं तो अगले 3-4 दिनों के अंदर केसेस बढ़ते हैं तो ये आंकड़ा 300 ही रहेगा। सर, मास्क लेके स्ट्रिक्टनेस प्रशासन की तरफ से बड़ी कम दिख रही है, इसको लेके क्या क्या आपके? देखिए, मास्क को लेके सबसे पहले तो हम लोग रेगुलरली अपील कर रहे हैं, चाहे आपके माध्यम से कर रहे हैं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम मास्क खुद पहनेंगे तो हमारा बचाव रहेगा, और दूसरी चीज अगर आपने कही तो इसके अंदर दो तरह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं। एक तो चलानिंग भी जोर दिया गया है, और पिछले भी कल अगर मैं बात करूं तो 100 से ऊपर चलान ऐसे लोगों के किए गए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, और एक ऐसे विशेष अभियान जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे सार्वजनिक स्थान है या जहां पे लोग नहीं मास्क पहन रहे हैं वहां पे विशेष अभियानों के माध्यम से उनके लोगों की टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चलानिंग से भी थोड़ा सा ऐसा एक रोष पैदा होता है, तो उन लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और मास्क वितरित भी कर रहे हैं। सर, बढ़ते मामलों को लेकर धर्मशाला कोविड केयर सेंटर दोबारा से शुरू हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बार हमने पूरे जिले को 3 जोन्स में बांटा है, और हर जोन में इस समय हमारा जोन 1 जो नूरपुर वाला इलाका है उसके अंदर सिविल हॉस्पिटल नूरपुर एक्टिव है एज अ कोविड फैसिलिटी। हमारा जो जोन 2 है मिडिल जोन है वहां पे टांडा इस समय एक्टिव है, और जो हमारा जोन 3 है उसके अंदर परौर हमारा इस समय एक्टिव है, और हमने हर जोन के अंदर और हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे जोन 1 के अंदर हमारा जो सिविल हॉस्पिटल देहरा इस बार एक्टिवेट करेंगे यदि केसेस बढ़ते हैं, सिविल हॉस्पिटल ज्वाली एक्टिवेट करेंगे, सिविल हॉस्पिटल इंदौरा के अंदर भी हम एक मेकशिफ्ट फैसिलिटी टोटली CSR के माध्यम से कर रहे हैं, वहां पे कंटेनर बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं, कंटेनर्स भी विशाखापट्टनम में हमें प्राप्त हो चुके हैं और उनको जल्दी ही यहाँ पे शिप किया जा रहा है। इसी प्रकार जो जोन 2 है इसमें हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है, जोन 3 के अंदर हमारा जो CH पालमपुर है उसके 2 फ्लोर्स अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन जो 100 बेड्स की सुविधा इस बार हमने क्रिएट की है। इसके अतिरिक्त हमारा पपरोला की फैसिलिटी है, तो हमारा ये जो प्लान है इस बार बड़ा ही साइंटिफिक और डिसेंट्रलाइज प्लान रहेगा, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां अपना जो हॉस्पिटल है उनको एक्टिवेट किया। सर, अभी स्थिति क्या है, जो लोग बीमार हो रहे हैं कोविड से संक्रमित हो रहे हैं
देखिए जैसे मैंने पहले बताया, इस समय हमारे जिले में 982 एक्टिव केसेस हैं, जिसके अंदर सिर्फ 7 केसेस ऐसे हैं जो अपना जो हॉस्पिटल के अंदर है और ऑक्सीजन पे हैं। तो ये जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है 0.7%, ये पहली और दूसरी वेव की तुलना में बहुत कम है, परंतु फिर भी जो एक एहतियात है और एक जो हमारी प्रिकॉशंस हैं वो बरतने की बहुत आवश्यकता है, ताकि क्योंकि इस बार कहा जा रहा है क्योंकि ये वेव जो है, ये जो वेरियंट है, ये 3 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है अगर हम बात करें पिछले वेरियंट्स के मुकाबले। तो जो एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर ज्यादा होने की आशंका है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स पे भी लोड आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। सर, दूसरी लहर में आईसीयू बेड की काफी कमी देखने को मिली थी, तो क्या तीसरी लहर को लेकर आईसीयू बेड की भी डिमांड की गई है? क्योंकि अभी तक जानकारी के अनुसार 60 ही आईसीयू बेड्स हैं जो कांगड़ा जिला में उपलब्ध है। देखिए, इसमें जो दूसरी लहर में आप बात कर रहे हैं, उस समय ऑक्सीजन बेड्स की जो शॉर्टेज थी वो ज्यादा थी रादर देन आईसीयू बेड्स, और इस वेव की जो अभी तक की जो जो अभी तक देखने में आ रहा है, उस समय वेंटिलेटर्स पे नहीं जा रहे हैं पेशेंट, उनको माइल्ड या मॉडरेट ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स की दूसरी वेव की यदि हम बात करें तो जिला कांगड़ा के अंदर लगभग 800 बेड थे, और तीसरी वेव अब जब अगर हम आती है और हमारे पास लगभग 1200 से 1300 बेड्स की व्यवस्था इस बार सरकारी सेक्टर के अंदर है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो संख्या है, और यदि इससे अतिरिक्त भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी जो फैसिलिटीज है उनको कोविड में बदलने के लिए हमारे पास पूरा जो तैयारी है उसको एक दो दिन के अंदर ही हम बेड्स की जो स्ट्रेंथ है उसको एस्केलेट कर सकेंगे। जी, नए ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो पीएसए प्लांट नूरपुर है वो दैट इज टोटली फंक्शनल नाउ। देहरा के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे भी अपना जो प्लांट है इंस्टॉल कर लिया गया है, वहां पे ट्रांसफार्मर का कार्य इस समय चल रहा है, वो हमने सीएसआर के माध्यम से क्लब महिंद्रा से उसको डोनेट करवाया था, और जो हमारा ज्वाली के अंदर पीएसए प्लांट है वो एचडीएफसी के माध्यम से हमने डोनेट करवाया है, और हमारा पालमपुर का पीएसए प्लांट टोटली फंक्शनल है। जो पपरोला का पीएसए प्लांट है उसमें ऑक्सीजन जो प्रेशर डिप है उसकी समस्या आ रही है, और उसको लेके आज भी अपना जो टेक्निकल टीम है उसको कहा गया है विजिट करें, परंतु ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये सिलेंडर्स पे तो चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार ही हैं। और धर्मशाला के अंदर भी हमारा पहले 300 LPM का प्लांट था, जिसकी हमने अभी रिसेंटली उसकी ऑगमेंटेशन करके उसको 800 LPM का कर दिया है, तो ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो भी इस बार ठीक है, और ऐसा नहीं हम फोर्सी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई डिफिशियंसी रहेगी। टांडा में प्लांट लगा हुआ है, वहां पे कुछ इश्यूज हैं उस प्लांट के लेके, उसके लिए भी टेक्निकल टीम जो है वो विजिट कर रही है। सर, बाहर से आने वाले पर्यटकों और होटल्स के लिए भी कोई गाइडलाइन? देखिए, इसमें जो DTDO के माध्यम से हमने यही कहा है कि जो होटल्स में जितना भी स्टाफ कार्य कर रहा है उनकी एक तो जो डबल वैक्सीनेशन है वो तो क्योंकि मैक्सिमम हो चुकी है, तो उसको अगर कोई बचा हो तो उसको इंश्योर करें, और बाकी एक रैंडम सैंपलिंग भी जो हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर चलती रहे, ताकि यदि कोई ऐसा पॉजिटिव होता है उसको टाइमली डिटेक्ट करें और उसको आइसोलेट करें। देखिए, भारी जो वर्ड ओवर जो ट्रेंड्स हैं, जो नंबर्स की बात की जा रही है, नंबर्स ज्यादा होंगे परंतु सिवियरिटी जो है, जैसे हमें भी देखने को मिल रहा है ओनली 0.7% हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हो सकता है कि जिन लोगों को हॉस्पिटल व्यवस्था की जरूरत हो वो कम होंगे, और 95% से ऊपर जो लोग इस वायरस से संक्रमित होंगे वो होम आइसोलेशन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। और एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें लेटेस्ट गाइडलाइंस होम आइसोलेशन की भी भारत सरकार की तरफ से आई हैं, जिसमें पहले 10 दिन की रिकवरी होती थी, अब 7 दिन उसको कर दिया है, तो जब कोई पॉजिटिव आया है उसे 7 दिन के भीतर और लास्ट के 3 दिन के अंदर यदि उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं तो उसको रिकवर्ड माना जाता है और उसको कोई भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं रहती। सर, डबल वैक्सीनेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, डबल वैक्सीनेशन का जो शुरू से बात कही जा रही है कि जो इसमें सिवियरिटी है जो वायरस की, जो इन्फेक्शन की, और जो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हैं उसको जो डबल वैक्सीनेशन है वो कम करेगी, और जो परंतु जो इन्फेक्शन, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो वेरियस रिसर्च और काफी शोध के बाद पाया है कि जो डबल वैक्सीनेशन की जो एक इम्यूनिटी इफेक्टिव रहती है वो 9 महीने तक इफेक्टिव रहती है, तभी जो एक थर्ड डोज प्रिकॉशनरी डोज की बात कही गई है वो शुरू किया गया है, तो 9 महीनों के बाद जो हमारे जिन लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है तो उनकी भी इम्यूनिटी लेवल्स थोड़े से फॉल कर जाते हैं, तो उसको ही बढ़ाने के लिए प्रिकॉशनरी डोज। तो क्या हर 9 महीने बाद वैक्सीनेशन? देखिए, ये तो अब कह पाना बहुत इस समय मुश्किल है, क्योंकि हर एपिडेमिक का अपना एक एवोल्यूशन होता है, और जिस प्रकार से वायरस बिहेव कर रहा है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। नॉर्मली 2 साल के अंदर एक एपिडेमिक जो हम ट्रेडिशनली मेडिसिन में पढ़ते हैं वो
डाई डाउन कर जाता है, परंतु आज 2.5 साल होने को आए हैं और अभी भी हम लोग एक जो संभावित थर्ड वेव है उसके उसकी और अग्रसर है। तो इस समय प्रिडिक्ट करना कि हर 9 महीने के बाद वैक्सीन लगनी है कि नहीं लगनी, ये इस समय थोड़ा सा कठिन होगा। नहीं, अभी कोई ऐसे आदेश एड की तरफ से नहीं है। मकर संक्रांति पे जी हमारा जो जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर्स हैं, चाहे जितने भी कॉन्ग्रीगेशन हैं, उन सब पे रोक लगा दी है। सभी एसडीएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई ऐसी लार्ज कॉन्ग्रीगेशन है उनको नहीं होना चाहिए। तो ये रहेंगे आगामी कुछ दिन। ओमिक्रॉन का देखिए, इसमें जब ये आप क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये वेव प्राइमरीली ओमिक्रॉन वेव ही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो हम सैंपल्स भेज रहे थे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, उसको लेना बंद कर दिया है कि अब जो जीनोमिक सीक्वेंसेस हैं ओमिक्रॉन वर्सेस डेल्टा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि जो ये प्राइमरीली कोई भी वेरियंट हो, उसका जो ट्रीटमेंट है और जो कंटेनमेंट है, उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत सेम है। तो इस समय डिस्टिंक्शन करने की कितने केसेस ओमिक्रॉन की वजह से, ये कह पाना मुश्किल है। थैंक यू।